Welcome back to Pharma Guide, guys. In this video, we will continue topic quality control test for capsules. और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट और स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट के बारे में. ड्रग का एब्जॉर्प्शन और उसका फिजियोलॉजिकल अवेलेबिलिटी बॉडी में डिपेंड करती है ड्रग सब्सटेंस की डिसॉल्व्ड स्टेट पे एट द साइट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन. जो ड्रग है वो अवेलेबल होनी चाहिए डिसॉल्व्ड स्टेट में एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन. डिसोल्यूशन टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं? डिसोल्यूशन टेस्ट से हम चेक करते हैं रेट एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द डोजेज फॉर्म. हियर वी आर स्टडिंग कैप्सूल डोजेज फॉर्म. तो जो कैप्सूल होगा वो सबसे पहले जो है डिसइंटीग्रेट होगा, ड्रग को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में छोड़ेगा. इसके बाद ड्रग का डिसोल्यूशन होगा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड में या मीडियम में. उसके बाद वहाँ साइट ऑफ एक्शन से जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड प्लाज्मा में. ब्लड प्लाज्मा से जो ये ड्रग है ये जाएगा साइट ऑफ एक्शन पर. डिसोल्यूशन टेस्ट अपन को प्रोवाइड करता है अ मीन्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल हम कैसे करते हैं? जो भी कैप्सूल्स मैन्युफैक्चर हुए हैं वो एक ही बैच में मैन्युफैक्चर नहीं होते, अलग अलग बैचेस में मैन्युफैक्चर होते हैं. तो जो सब डिफरेंट बैचेस हैं उन ड्रग प्रोडक्ट का जो ड्रग रिलीज रेट है वो सबका सेम होना चाहिए. साथ ही साथ जिस बैच की टेस्टिंग हो रही है उसका डिसोल्यूशन सेम होना चाहिए. डिसोल्यूशन प्रोफाइल जो है वो सेम होना चाहिए क्लिनिकली इफेक्टिव कैप्सूल के बैच के साथ. जो डिसोल्यूशन टेस्ट होता है कैप्सूल्स के लिए वो सेम अपैरेटस यूज़ उसमें सेम अपैरेटस यूज़ होता है, सेम डिसोल्यूशन मीडियम और सेम टेस्ट होता है एज दैट फॉर द अनकोटेड एंड द प्लेन कोटेड टैबलेट्स. सो डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर द कैप्सूल्स इज कैरीड आउट यूजिंग डिसोल्यूशन अपैरेटस विच इज़ ऑफिशियल बोथ इन USP एंड IP. सो अकॉर्डिंग टू USP टाइप 1 इज बास्केट टाइप एंड टाइप 2 इज पैडल टाइप. अकॉर्डिंग टू IP टाइप 1 इज पैडल टाइप एंड टाइप 2 इज बास्केट टाइप. नाउ हाउ डिसोल्यूशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड? कैप्सूल इज प्लेस्ड इन अ बास्केट. ये जो बास्केट दिख रही है शेफ्ट से कनेक्टेड, इस बास्केट के अंदर कैप्सूल को प्लेस किया जाता है. इसको इमर्ज किया जाता है डिसोल्यूशन मीडियम में एंड दिस इज कॉज्ड टू रोटेट एट अ स्पेसिफाइड स्पीड. स्पीड इज इट इज मेंशनड इन इंडिविजुअल मोनोग्राम्स. Now the dissolution medium is held in a covered 1000 ml glass vessel. एक 1000 ml का glass vessel होता है जिसमें हम dissolution medium को रखते हैं. ऐसे यहाँ पर 8 vessels हैं और ये 8ों के 8 vessels जो हैं वो एक water bath में रखे हुए हैं. इस water bath को हम temperature maintain करने के लिए use करते हैं. Maintained at 37 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius by means of a constant temperature suitable water bath. ओके, दिस इज पैडल टाइप अपैरेटस. यू कैन सी इन द इमेज पैडल टाइप अपैरेटस इज टाइप 1 इन अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया. दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. नाउ अबाउट द स्पीड, द स्टिरर स्पीड एंड द टाइप ऑफ डिसोल्यूशन मीडियम टू बी टेकन आर स्पेसिफाइड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ्स. सो दिस इज द प्रोसीजर. सबसे पहले हम डिसोल्यूशन मीडियम को ग्लास वेसल में भरेंगे. इसके बाद हम अपैरेटस को सेट करेंगे. जो वाटर बाथ है उसका टेम्परेचर 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करेंगे. देन वी विल प्लेस द डोजेज फॉर्म इन द ग्लास वेसल. दिस इज द पैडल टाइप. सो यू कैन सी जो भी डोजेज यूनिट है उसको बहुत केयरफुली हमें ऐड करना है जिससे कि जो एयर बबल्स हैं वो उसके सरफेस पर ना आए. अगर ये बास्केट टाइप होगा तो बास्केट के अंदर रखेंगे हम कैप्सूल को, और ये पैडल टाइप है अपैरेटस तो हम ग्लास वेसल में इसको रखेंगे. वी विल ऑपरेट द अपैरेटस एट द स्पेसिफाइड स्पीड. जो मोनोग्राफ्स होते हैं उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि कितने RPM पर चलाना है, तो उस स्पीड को हम सेट कर चला देंगे. अब विद इन टाइम इंटरवल, कुछ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल्स पर जो है हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे. सैंपल को कलेक्ट करने के लिए जो ये पॉइंट A बना हुआ है इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ से मिडवे से हमें सैंपल को कलेक्ट करना है. ना ही बहुत नीचे से, ना ही बहुत ऊपर से, ना ही वेसल्स के साइड से. विड्रॉ अ स्पेसिफिन फ्रॉम अ जोन मिडवे बिटवीन द सरफेस ऑफ द डिसोल्यूशन मीडियम एंड द टॉप ऑफ द दिस बास्केट और द ब्लेड ऑफ द पैडल. तो जो पैडल की ब्लेड है या फिर जो बास्केट है उसके ऊपर से
और जो डिजोल्यूशन मीडियम है उसके नीचे से पीट से सैंपल को कलेक्ट करेंगे। जितना भी सैंपल हम विथड्रॉ करेंगे उतना डिजोल्यूशन मीडियम जो है फ्रेश उसमें हम ऐड कर देंगे। सैंपल्स को विथड्रॉ करने के बाद हम इसका एसे करते हैं कि कितना परसेंट जो है ड्रग वो डिजॉल्व हो गया है। एसे हम करते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ऐसे करने के बाद हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि कितने टाइम में कितना ड्रग जो है वो डिसॉल्व हुआ, कितने नैनोमीटर्स पर जो है यूवी विजुअल इसको रीड करेगा ड्रग को, कितने आरपीएम पे स्टिरर को सेट करना है। ये इंडिविजुअल मोनोग्राफ्स में स्पेसिफाइड होता है इंडिविजुअल ड्रग का अलग अलग फार्माकोपियाज में। दिस वॉज अबाउट द प्रोसीजर। नाउ वी विल सी द लिमिट्स। वी हैव टू टेक 6 यूनिट्स। देर आर 3 लेवल्स, S1, S2 एंड S3। लेवल 1 में हम 6 यूनिट्स लेंगे कैप्सूल्स की और उनको हम प्लेस कर देंगे ग्लास वेसल्स में। ईच यूनिट नॉट लेस देन Q+5%। यहाँ Q क्या है? ये डिजॉल्व एक्टिव इन्ग्रीडियंट है। हर ड्रग का जो है इंडिविजुअल मोनोग्राफ्स में स्पेसिफाइड होता है कि कितने टाइम में कितनी ड्रग जो है वो डिजॉल्व या फिर हो जानी चाहिए या रिलीज हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर में 50% ड्रग जो है वो डिजोल्यूशन मीडियम में होनी चाहिए। तो हम टाइमली जो है सैंपल्स विदड्रॉ करेंगे, उनका ऐसे करेंगे और कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो ये जो 50% है कि 1 आवर में 50% ड्रग होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं क्यू। तो जो लेवल 1 है इसमें Q+5% जो है ड्रग अवेलेबल हो जानी चाहिए, मतलब 55% हो जानी चाहिए। 45% हो रही है तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो फेल हो जाए। अगर हर यूनिट का कंसंट्रेशन जो है वो Q+5% से ज़्यादा है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर फेल हो रहा है टेस्ट तो हम लेवल 2 पर आएंगे। लेवल 2 में हमारे पास फिर से 6 यूनिट्स हैं, तो इस बार हम एवरेज 12 यूनिट्स का लेंगे। हर यूनिट का कंसंट्रेशन निकालेंगे और जो 12 यूनिट्स का एवरेज आएगा S1+S2 का, उस एवरेज को जो है वो क्यू से ज़्यादा होना चाहिए, उसका कंसंट्रेशन जो है वो क्यू से ज़्यादा होना चाहिए। और किसी भी यूनिट का कंसंट्रेशन जो है वो Q-15% से कम नहीं होना चाहिए। अगर लेवल 2 में 12 यूनिट्स में से किसी भी यूनिट का कंसंट्रेशन Q-15% से कम आ रहा है तो हम लेवल 3 पर जाएंगे, जहाँ हम 12 डिफरेंट यूनिट्स लेंगे। पहले 6 ली थी, फिर 6 ली, अब 12 ली, तो हमारे पास एवरेज 24 यूनिट्स हो गई S1+S2+S3 करके। तो इसकी लिमिट्स क्या हैं? हम इन 24 यूनिट्स के कंसंट्रेशन का एवरेज निकालेंगे। एवरेज ऑफ 24 यूनिट इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन Q। इनका जो एवरेज है इक्वल या Q से ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। किन्हीं भी 2 यूनिट्स का कंसंट्रेशन Q-15 से कम नहीं होना चाहिए और किसी भी यूनिट का कंसंट्रेशन जो है Q-25% से कम नहीं होना चाहिए, तभी हमारा बैच जो है वो पास होगा। ठीक है, यहाँ पर Q क्या है ये समझना ज़रूरी है। Q इज़ द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व एक्टिव इंग्रेडिएंट स्पेसिफाइड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ्स। इससे जो है फिर हम अपने सैंपल को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। किसी भी डोजेज यूनिट में, टैबलेट में या कैप्सूल में, ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी चेक करने के 2 मेथड्स होते हैं, वेट वेरिएशन और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। अगर हम कैप्सूल्स की बात कर रहे हैं तो हर कैप्सूल में सेम अमाउंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता। अगर 100 मिलीग्राम की एक कैप्सूल है जिसमें 100 मिलीग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा और बाकी से 200-300 मिलीग्राम एक्सिपिएंट्स होते हैं, तो जो 100 मिलीग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट का अमाउंट है वो हर कैप्सूल में सेम नहीं होता। किसी में 99 मिलीग्राम होगा, किसी में 102 मिलीग्राम होगा, तो ये एक रेंज होती है। लेकिन या तो ऐसा ना हो कि डोजेज यूनिट जो है वो अंडर डोज हो जाए, मतलब बहुत कम एपीआई हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा एपीआई हो जाए, ओवरडोज हो जाए, तो हमें कंटेंट के यूनिफॉर्मिटी को जो है वो चेक करना होता है कि ब्लेंडिंग जो है पाउडर की प्रॉपर हुई है, एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसे हम कहते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट है इसमें हम ऐसे करते हैं ड्रग कंटेंट का इन अ नंबर ऑफ डोजेज यूनिट्स टू डिटरमाइन इंडिविजुअल कंटेंट इज़ विद इन द सेट लिमिट्स। सेट लिमिट्स के अंदर पे जो है ये कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी मेजर है ऑफ द फाइनल डोजेज प्रोडक्ट। ये टेस्ट इंश्योर करता है कि डिफरेंट पैचेस में एपीआई, दैट इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का कंसिस्टेंट डोज मेंटेन्ड है या नहीं, सो दैट द पेशेंट रिसीव्स करेक्ट डोज। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट हम तब परफॉर्म करते हैं जब कंटेंट जो है इट इज़ स्पेसिफाइड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ्स कि कितना अमाउंट ड्रग प्रेजेंट होना ही चाहिए, एंड व्हेन द कैप्सूल्स फेल्स द वेट वेरिएशन टेस्ट।
हम क्या करते हैं, रैंडमली 30 कैप्सूल्स को सिलेक्ट करते हैं और उसमें से किसी भी 10 कैप्सूल का हम ऐसे करते हैं। तो इसकी लिमिट्स क्या हैं, उन 10 कैप्सूल्स में से 9 कैप्सूल्स में जो है वो 85 से 115, दैट इज़ प्लस माइनस 15% जो है कंटेंट होना चाहिए, और किसी भी एक कैप्सूल का जो है कंटेंट वो 75 से 125% अलाउड है, पर इससे ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, इस रेंज के बाहर जो है कंटेंट नहीं होना चाहिए, तब जो है हमारा टेस्ट पास होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैप्सूल डेविएट कर रहे हैं 75 to 125% में, इफ़ मोर देन वन बट लेस देन थ्री डेविएट, वी हैव टू गो फॉर द एसे ऑफ रिमेनिंग 20। अगर एक से ज़्यादा कैप्सूल जो है वो डेविएट कर रहे हैं कंसनट्रेशन में 75, मतलब एक से ज़्यादा कैप्सूल की कंसनट्रेशन 75 से 125% है, बल्कि जो होनी चाहिए थी 85 to 115, तो हम बाकी बचे 20 कैप्सूल्स का भी ऐसे कर देते हैं। ओके, तो इसमें लिमिट्स क्या हैं, नन ऑफ द कैप्सूल इज़ आउटसाइड, किसी भी 30 में से किसी भी कैप्सूल का कंटेंट 75 से 125% के बाहर नहीं होना चाहिए, और 30 में से 27 कैप्सूल का कंटेंट 85 से 115% के बीच में ही होना चाहिए, तभी वो बैच पास होगा, अदरवाइज वो बैच जो है वो फेल हो जाएगा। ओके, सो हमने सबसे पहले 30 कैप्सूल्स लिए थे, उसमें से 10 का ऐसे किया, 9 कैप्सूल का जो कंटेंट है वो 85 से 115% के बीच में होना चाहिए, एक का जो 10th कैप्सूल है उसका अलाउड है 75 to 125%। अगर एक से ज़्यादा कैप्सूल वेरी कर रहे हैं उसमें भी 3 से ज़्यादा वेरी नहीं करने चाहिए, मोर देन वन बट लेस देन थ्री डेविएट्स, देन वी विल डू द एसे ऑफ ऑल 20 कैप्सूल्स रिमेनिंग, और 30 में से जो हैं 27 कैप्सूल्स का कंटेंट 85 to 115% होना चाहिए। अब हम अगले टेस्ट की तरफ जाते हैं, जो है हमारा मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट। द यूएसपी रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉइस्चर परमिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल यूनिट एंड यूनिट डोज कंटेनर्स टू एश्योर देयर सुटेबिलिटी फॉर द पैकेजिंग कैप्सूल्स। डिग्री और रेट ऑफ मॉइस्चर पेनिट्रेशन हम कैसे पता करते हैं, हम कलर रिवीलिंग डेसिकेंट पैलेट्स लेते हैं जो कि कलर को एब्जॉर्व करके अपना कलर चेंज कर लेती हैं, ऐसी पैलेट्स को हम डोजेज यूनिट के साथ पैक करते हैं, और इसके बाद जो है इस डोजेज यूनिट को हम एक चैम्बर में रखते हैं जहाँ पर रिलेटिव इसको हम एक्सपोज करते हैं एक स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, और उसके बाद हम उसको खोलेंगे और हम चेक करेंगे जो कलर रिवीलिंग डेसिकेंट पैलेट्स हैं उन्होंने अगर वाटर को एब्जॉर्ब किया है कि नहीं। वी विल ऑब्जर्व द डेसिकेंट पैलेट फॉर द कलर चेंज, अगर कोई भी कलर चेंज हो रहा है तो वो मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करता है, और हम क्या करेंगे उन पैलेट्स का वेट वे करेंगे उनको हम बाय मेजरिंग द प्री टेस्ट वेट एंड पोस्ट टेस्ट वेट ऑफ द पैलेट्स, कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम पता कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैप्सूल की फिजिकल स्टेबिलिटी के बारे में, स्टोरेज स्टेबिलिटी और पैकेजिंग के बारे में कैप्सूल्स की। कैप्सूल शुड बी पैक्ड इन अ वेल क्लोज्ड ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर्स एंड स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। इंडिविजुअली कैप्सूल्स को जब हम पैक करते हैं तो स्ट्रिप्स में या ब्लिस्टर पैकेजिंग में पैक करते हैं, और अगर बहुत सारे कैप्सूल्स को पैक करते हैं तो हम किसी क्लोज्ड ग्लास या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में पैक करते हैं। अगर हम स्ट्रिप्स में उनको पैक करते हैं तो दे शुड बी हर्मेटिकली सील्ड विद इन द स्ट्रिप्स, दो स्ट्रिप होंगी एक एल्यूमिनियम की एक प्लास्टिक के बीच में, या फिर दो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स होंगी उसके बीच में हम हर्मेटिकली सील करेंगे कैप्सूल्स को। ब्लिस्टर पैक में वी प्रेस फोर्स द कैप्सूल थ्रू द ब्लिस्टरिंग स्ट्रिप। अगर कैप्सूल्स को हम हाई ह्यूमिडिटी पर स्टोर कर देंगे तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना शेप को लूज कर देगा, और अगर हम उसे लो ह्यूमिडिटी पर रख देंगे तो वो वाटर को लूज़ करेगा और जो शेल है वो ब्रिटल बन जाएगा। इसीलिए एक ऑप्टिमम रेंज होनी चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की और टेम्परेचर की कैप्सूल्स के प्रॉपर स्टोरेज स्टेबिलिटी के लिए। देयरफॉर एम्बिएंट ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर लेवल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर एज फॉलोज। मिनिमम 35% रिलेटिव ह्यूमिडिटी 15 डिग्री सेल्सियस, बेस्ट पॉसिबल एट 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस, एंड मैक्सिमम एट 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिटवीन 35 to 65 रेंज एंड टेम्परेचर बिटवीन 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स दे ऑलरेडी हैव हाई वाटर कंटेंट, इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा कॉशन ड्यूरिंग द स्टोरेज।
they should be stored in air-conditioned area where the humidity does not exceed 45% relative humidity and temperature is between 21 to 24 degrees Celsius. Okay, now we will see ki stability kya hoti hai. Stability is defined as ability of the dosage form. Dosage form ki ability maintain karne ki apna physical, chemical, microbiological, therapeutic or toxicological action or identification. Right from the date of formulation and packaging until its therapeutic action. जब से ये dosage form बना है और जब से इसका therapeutic action हो रहा है या फिर जब हमने इसे administer किया है, इसके बीच में जो है इस dosage form को अपनी physical, chemical, microbiological, therapeutic और toxicological identity को maintain रखना चाहिए. इसे हम कहते हैं stability of the dosage form. Accelerated stability testing. Accelerated मतलब higher temperature, higher relative humidity पर हम capsules को रखते हैं और उनका test करते हैं to determine the integrity of the gelatin shell and to determine the shelf life of the capsules. Capsules shell must be equilibrated to known atmospheric conditions with a relative humidity of about 20 to 30% relative humidity at 21 to 24 degrees Celsius. इसका मतलब equilibrate का मतलब क्या होता है, जब हम capsules को एक room temperature पर रख देंगे तो हमारे room की जो भी relative humidity है और जो भी यहाँ temperature है इसके according जो है वो equilibrate हो जाएगा. मतलब कि अगर उसमें moisture कम है तो moisture absorb कर लेगा, जो भी relative humidity है उस हिसाब से it will rapidly reach equilibrium with the atmospheric conditions under which it is kept. Thank you for your time and attention, guys. Please like the video, share it, and subscribe to my channels to stay connected.